हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। दिस इज नेरो, योर इंग्लिश टीचर। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर थर्ड पार्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो आज हम आर्टिकल का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, हमारा रूल था और एन का प्रयोग जो है काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या यूनिट या फिर गिनती सूचक शब्दों या इकाई के पहले होता है, जैसे अ डजन, अ हंड्रेड, अ थाउजेंड, अ मिलियन, अ स्कोर। तो ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट रूल देखिए, ओ और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्लास तथा जाति का बोध कराने के लिए भी होता है। जब क्लास या किसी क्लास का या जाति का बोध हो रहा है हमें और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बट वो पूरी क्लास को शो कर रहा है, पूरे वर्ग को शो कर रहा है, तो वहाँ पर भी हमें अ और एन का यूज़ करना है। जैसे हमें ब्लैंक मिलेगा, डैश काओ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। अब जो काओ होती है एक डोमेस्टिक एनिमल्स है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये पूरी जाति को शो करा है कि डोमेस्टिक एनिमल है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, अ काओ, क्योंकि काओ सिंगुलर भी है और ये क्लास ये जाति का बोध भी करा रही है, तो हमने अ और एन का यूज़ कर लिया है। ऑल काउज आर डोमेस्टिक एनिमल्स। अब यहाँ पे ऑल काउज हैं, काउज तो है, अभी क्या है प्लूरल हो गया है, तो प्लूरल नाउन के आगे हमें क्या और एन का यूज़ नहीं करना, क्योंकि बहुवचन हो गया तो वहाँ पे और एन का यूज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि और एन जो एक को शो कर रहा है, प्लूरल तो अनेक हो गए हैं, इसलिए ऑल काउज आएगा वहाँ पे। मीन्स ये यहाँ पे आपको कुछ नहीं यूज़ करना है, आपको काओ मिलता है तो आपका अ आएगा। हुआ क्लियर? द काओ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। हम यहाँ पे अ काओ भी यूज़ कर सकते हैं और द काओ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि द जो है स्पेशलिटी एक वर्क को शो कर रहा है आपका, वहाँ पे द भी ठीक है और अ भी ठीक है, दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले और एन का प्रयोग होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं और सिंगुलर है वो, आई एम अ टीचर, शी इज़ अ डॉक्टर, आपको मिलेगा आई एम डैश टीचर। तो टीचर के आगे आपको डैश मिलेगा तो ब्लैंक मिलेगा, यहाँ पे आपको अ लगाना है। डॉक्टर के आगे आपको ब्लैंक मिलेगा, अ लगाना है। यू आर डैश स्टूडेंट, स्टूडेंट भी एक है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, तो हमें यहाँ पे अ का यूज़ करना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रूल्स तो बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, और रूल्स इतने हैं कि वहाँ पे आपको ऐसे शो यू लगेगा कि यहाँ पे अ भी यूज़ कर सकते हैं, द भी यूज़ कर सकते हैं, एन भी, बट इनकी जो हमें ये रूल्स है बहुत बारीकी से देखना होगा कि सेंटेंस किस तरह का है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस है वहाँ पे हम अ भी यूज़ कर सकते हैं और द भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ जो है ये जो टॉपिक है पूरा रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें हम बिना रूल्स से हट के भी हमें और एन द का यूज़ करना पड़ सकता है, तो वो हमारे लेवल में, मीन्स आपका जो लेवल है 10+2 का उसमें नहीं आता है, वो आपका कंपटीशन लेवल पर आता है। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, अब है प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन बनाने के लिए, जब प्लूरल नाउन होता है अब उसे हमें सिंगुलर बनाना है तो अ का प्रयोग होता है। जैसे 5 days journey, 5 दिनों की जर्नी, प्लूरल है 5 days journey। अब इसको अगर मुझे सिंगुलर बनाना है तो क्या बनेगा, अ 5 day journey। मीन्स आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा बट मैं आपको एज ए बता रही हूँ, बस ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अ 5 day journey बन गया, मतलब 5 तो है, प्लूरल तो है बट हमने इसको क्या सिंगुलर बना दिया, तो सिंगुलर कैसे बनाया, हमने इसको अ के लगा दिया, एक 5 day journey यानी यात्रा को हमने अ बना दी, जो यात्रा है 5 दिनों की एक यात्रा, तो अ 5 day journey हो गया है। 6-man committee, MEN man यानी प्लूरल है, 6 लोगों की कमेटी, तो हमने कहते अ 6-man committee, 6 लोगों की कमेटी, हमने उस कमेटी को क्या एक सिंगुलर नाउन में चेंज कर दिया, प्लूरल को हमने सिंगुलर नाउन में चेंज कर दिया है। यदि वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो, जब वर्ब होती है एज ए नाउन वो यूज़ हो जाती है, तो इसके पहले ज़रूरत के मुताबिक अ और एन का प्रयोग करेंगे। मीन्स हमें जब लगेगा कि यहाँ पे हमें अ की नीड है, हम अ यूज़ करेंगे, एन का है एन, तो वो हमें रूल के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें रूल्स की बहुत अधिक प्रैक्टिस करनी होगी, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन दूंगी वो आपको बहुत अच्छे से करना होगा। His grandfather has gone for a walk. अब ये walk जो क्या है हमारा verb है बट यहाँ पे इसका क्या यूज़ किया, एज ए नाउन यूज़ किया गया है, उसके जो grandfather थे, has gone for a walk. तो walk हमारा क्या हो गया, verb हो गया, एज ए नाउन यूज़ हुआ है, तो हमने इससे पहले क्या यूज़ कर दिया, अ किसके लिए, तो walk के लिए, तो अ walk. He wants to have a rest. रेस्ट भी आपका वर्ब है लेकिन एज ए नाउन यूज़ हुआ है, बाथ ड्रिंक नाउन, तो ही वॉन्ट्स टू हैव अ रेस्ट,
अ बाथ अ ड्रिंक। नो यूज़ ऑफ और एन, और एन का यूज़ जब हमें नहीं करना है, देखिए मीन्स इसमें आपके ये रूल्स आ रहे हैं जहाँ पे थोड़ा मतलब क्रॉस के रूल्स हैं, कुछ क्रॉस के रूल्स मैं यहाँ करा रही हूँ, कुछ आपको बाद में भी मैं अलग से भी करवाऊँगी फॉर वीडियो में, बट इसमें ये है कि जहाँ पे और एन का यूज़ नहीं करना है, तो मीन्स वहाँ पे हम क्रॉस भी यूज़ कर सकते हैं द भी। कहाँ क्रॉस होगा कहाँ द वो मैं आपको बता रही हूँ। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, जो अनकाउंटेबल नाउन है वहाँ पे और एन का यूज़ तो होगा ही नहीं। अब गोल्ड है, अ गोल्ड रोंग होगा, अ ब्रेड रोंग होगा, एन एडवाइस रोंग होगा, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जहाँ पे और एन का यूज़ नहीं करना। बट ऐसी जगह पे हमें क्या यूज़ करना है वो आपको मैं लास्ट में भी बताऊँगी, अभी बताती हूँ। गोल्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, वहाँ पे हमारे क्रॉस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एडवाइस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी क्रॉस का यूज़ किया जाता है, बट हम ये कर रहे हैं कि यूज़ नो यूज़ ऑफ अ और एन का जहाँ पे हमें यूज़ नहीं करना वो बता रही हूँ। तो अ गोल्ड गलत हो जाएगा आपका, ब्रैड भी रॉन्ग हो जाएगा, मटेरियल नाउन है, एंड एडवाइस भी रॉन्ग हो जाएगा अगर हम उसके के एन लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिफोर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन से पहले, जैसे अब चिल्ड्रन है, अब कई बच्चों को तो यही नहीं पता था कि चिल्ड्रन एक बच्चे के लिए है कि बहुत सारे बच्चों के लिए है। तो देखिए पहले आपको बता दूँ, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा होता है, चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बच्चा बच्चे, तो चिल्ड्रन है ये हमारा प्लूरल है, नाउन है, तो इससे पहले हम अ का यूज़ नहीं करेंगे। अ बॉयज़ 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 हो गया तो अ का यूज़ नहीं होगा, पीपल हो गया तो अ का यूज़ नहीं होगा, पीपल भी प्लूरल नाउन माना जाता है, डियर भी प्लूरल नाउन है तो अ का यूज़ नहीं होगा। ये हम अ जहाँ पे अ और एन का यूज़ नहीं करना वो मैं आपको करवा रही हूँ। फूड आइटम नेम्स ऑफ मील्स के पहले, मीन्स फूड आइटम यानी नेम्स ऑफ मील आ जाए उसके पहले भी एन और एन का प्रयोग नहीं होता। मीन्स फूड आइटम का मतलब ये नहीं कि हमें आलू की टिक्की या पराठे से पहले, मीन्स जो मील के नेम है हमारे खाने के टाइमिंग को, जो खाने की टाइमिंग है, जैसे लंच टाइम है, ब्रेकफास्ट टाइम है, सपर है, उसकी बात चल रही है। जैसे लंच है कि मैंने लंच कर लिया है, तो आई हैव अ लंच, मतलब मैंने मेरा लंच हो गया, आई हैव, तो हम यूज़ कर सकते हैं अपना प्लीज़ गिव अ लंच। तो जब आपका ऐसे यूज़ करते हैं, जब लंच को है ना, हमें नॉर्मल हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो जैसे गिव अ लंच, लंच दे दीजिए लंच, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, वहाँ पे हमारा जो लंच और सपर डिनर ब्रेकफास्ट क्या आएगा, क्रॉस माना जाएगा, मीन्स वहाँ पे अ का यूज़ नहीं करना हमें। अगर आपने अ का यूज़ किया तो वो क्रॉस हो जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। गिव अ लंच, हैव अ सपर, हैव अ डिनर, हैव अ डिनर, ये ठीक है। मींस जब हम एक नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, मींस जो सपर लंच डिनर की बात आ रही है वो आपका और एन नहीं लेगा, लेकिन जब इनके पहले लंच सपर डिनर के पहले अगर हमारा एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाता है तब वहाँ पे और एन का यूज़ होता है। जो लंच की जो नेम्स ऑफ मील है इनमें तीन चीज़ें लगती है, मींस इसमें क्रॉस भी लगता है, और एन का यूज़ कहाँ पे होता है वो भी बताया जाएगा, और जहाँ पे इसका द का यूज़ होता है वह भी आपको बताया जाएगा। जब आपका लंच, जैसे मैंने लंच ले लिया है, उसे लंच कर लिया है, खाना खाना है, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हमारा और एन का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे हम क्रॉस यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हमारा हैव डिनर, हैव सपर, हैव लंच आएगा। अगर फूड आइटम के पहले यानी लंच सपर डिनर के पहले अगर हमारा एक एडजेक्टिव आ जाए, जैसे डैश गुड डिनर, डिनर अच्छा है, तो अ गुड डिनर, अ नाइस लंच, अ ग्रेट सपर, तो उससे पहले अगर हमें एडजेक्टिव आता है तो हम अ गुड डिनर करते हैं, अ नाइस लंच करते हैं, अ ग्रेट सपर करते हैं। लेकिन अगर जब इसकी स्पेशलिटी आ जाती है एक लंच की डिनर की, कि हम एक भाव आता है सेंटेंस में कि हम उसकी शादी में गए थे, लंच बहुत टेस्टी था, हम वहाँ गए थे, डिनर अच्छा नहीं था, जब वो भाव आ जाता है तब वहाँ पे हम उसका द का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए नॉर्मल सेंटेंसेस में हम क्या लेते हैं, लंच सपर डिनर के आगे हमारा क्या जाएगा, क्रॉस जाएगा, लेकिन अगर लंच डिनर पहले सपर से पहले एडजेक्टिव आता है तो अ गुड डिनर, अ बैड लंच, तो अ लग जाएगा। लेकिन अगर कोई सेंटेंस ऐसा आता है कि जब वहाँ पे एक अलग से भाव दिया जाता है, स्पेसिफिक कोई भाव दिया जाता है, तो वहाँ पे हमारा द भी यूज़ होता है, वो मैं आपको द के यूज़ में करवाऊँगी आगे नेक्स्ट वीडियो में। रूल नंबर 4 देखिए, और एन का प्रयोग पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजिशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन्स के पहले नहीं होता है।
द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल नहीं होगा, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल होगा, द जॉब ऑफ अ क्लर्क नहीं होगा, द जॉब ऑफ क्लर्क, यानी पोस्ट ऑफ रैंक ऑफ टाइटल ऑफ के बाद जो है नाउन के पहले ओ एन का यूज़ नहीं होगा, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल यानी ब्लैंक है, कौन सी पोस्ट ब्लैंक है, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल की, द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल नहीं कहा जाएगा, द जॉब ऑफ क्लर्क बिफोर एडजेक्टिव से पहले, देखिए अगर एडजेक्टिव आता है तो हम उससे पहले और एन का यूज़ करते हैं, लेकिन रियल सेंटेंसेज में ऐसा होता है कि आप वहाँ पे अगर नहीं यूज़ करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो आपका वो भी करेक्ट माना जाता है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे और एन का यूज नहीं हो रहा है वो करा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉस को प्रेफर दे रही हूँ। ही इज़ एन ऑनेस्ट, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ बता रही हूँ कि जहाँ कहाँ पे हम और एन का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, बट हम ऑब्जेक्टिव से पहले भी और एन का यूज़ करते हैं, तो ये दोनों सेंस में ठीक है, बट यहाँ पे मैं रूल आपको और एन का यूज़ कहाँ नहीं करना वो करवा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे किसको रूल के अकॉर्डिंग क्रॉस को प्रेफर दूंगी। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, नो शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज़ ऑनेस्ट, शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, हुआ क्लियर। बट एग्जाम में जब आता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि नॉर्मल है, तो वहाँ पे आप अ कैन का यूज़ कर सकते हैं। ये इस टाइप की जो सेंटेंसेज आपको पजल करने के लिए एग्जामिनर जो है कंपटीशन जो टेस्ट होते हैं उनमें दिए जाते हैं। बिफोर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है, जैसे दिस दैट दीज दोज सच द सेम, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आते हैं तो इनसे एनी एटसेट्रा, तो इनसे पहले भी हमें क्या और एन का यूज़ नहीं करना है। जैसे दिस अ हाउस नहीं होएगा, दैट हाउस, एनी पेन, एनी अ पेन नहीं आएगा, अनदर टीचर, अनदर अ टीचर रॉन्ग हो जाएगा। तो जो एडजेक्टिव होते हैं तो उनसे पहले क्या है, जो हमारे एडजेक्टिव सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो हमारे उसके पहले के और एन का यूज़ नहीं करना है हमें। दिस अ हाउस नहीं, दैट बुक, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट बुक, वह बुक आ जाता है। देखिए बिफोर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाए, जैसे अब दिस है, दिस हमारा दिस दैट क्या हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है, लेकिन इसके बाद अगर हमारा एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे दैट बुक आ गया, तब तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है तो दैट बुक हो गया ना, तो वहाँ पे दैट बुक रहेगा, दैट अ बुक नहीं रहेगा, क्योंकि बुक एडजेक्टिव होगा, वह बुक, तो बुक की विशेषता वह बुक, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाने से हमें इसके बीच में अ का यूज़ नहीं करना है। दैट बुक होगा, दिस हाउस होगा, अ का यूज़ नहीं करना है, एनी अ पेन नहीं, एनी पेन। आगे देखिए यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल मीन्स द का यूज़ हमें अब करना है। द का प्रयोग पर्वत श्रेणी यानी सीरीज ऑफ माउंटेन के नाम के पहले होता है, जैसे द हिमालयाज, द एप्स, द विंध्याज, लेकिन पीक ऑफ माउंटेन यानी पर्वत की चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। मीन्स माउंटेन के पहले होता है बट पीक ऑफ माउंटेन्स नहीं यूज़ किया जाता। द माउंट एवरेस्ट नहीं होता, माउंट एवरेस्ट होता है आपके क्लासन है 9th में, माउंट एवरेस्ट जो है उसके पहले आप देखना द का यूज़ नहीं किया गया है। मीन्स हिमालयाज, हिमालयाज यानी पर्वतों के नाम आ जाते हैं, द हिमालयाज होगा, लेकिन पीक ऑफ माउंटेन के पहले कुछ भी नहीं होगा। आपको वहाँ पे अगर ब्लैंक दे रखा तो आपको वहाँ पे क्रॉस का यूज़ करना होगा। माउंट एवरेस्ट डैश नंदा देवी, तो पीक है माउंट आबू, ये पीक है, अगर आगे ब्लैंक मिलता है तो आपको क्रॉस का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट देखिए द का प्रयोग रिवर्स के नाम के पहले होता है, द गंगा, द थेम्स, द कांगो, मीन्स जो रिवर्स के नेम आते हैं यानी रिवर्स नहीं, रिवर्स के नेम के पहले हमें द का यूज़ करना है। बिफोर सीज, सीज से पहले कोई भी समुद्र के नेम आ जाए, ओशियंस, बे, गल्फ यानी खाड़ी आ जाए, तो उनसे पहले हमें द का यूज़ करना है। द स्पेसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द एंटार्क्टिक ओशियन, द रेड सी, द बे ऑफ बंगाल, तो इनसे पहले हमें क्या द का यूज़ करना है। हडसन बे के पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है, तो ये मैंने आपको नोट बताती हूँ, जहाँ पे हमें द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है वहाँ पे बता रही हूँ, हडसन बे के पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है, मीन्स वहाँ पे आप क्रॉस का यूज़ करेंगे, हुआ क्लियर। नेक्स्ट देखिए बिफोर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी आइलैंड्स के ग्रुप के पहले, द्वीपों के समूह के पहले हमें द का यूज़ करना है, द अंडमान्स, द निकोबार्स, द फिलीपींस, लेकिन कुछ खास द्वीप के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करना, कुछ ऐसे द्वीप है जहाँ पे हमें द का यूज़ करना ही नहीं है। द जावा आएगा वो आपका क्रॉस हो जाएगा, खाली जावा लिखा जाएगा। सुमात्रा क्या क्या अगर आपने द लगा दिया वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, सुमात्रा आएगा कुछ भी नहीं आएगा। साइक्लोन के आगे भी आपका क्या जाएगा,
क्रॉस जाएगा, मीन्स साइक्लोन होगा तो ठीक है, अगर आपने द साइक्लोन लगाया तो वो आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए सिसली, यानी आपका सिसली भी आता है तो वहाँ पे भी आपका क्या जाएगा, आपका सिसली का भी द नहीं लगेगा, क्रॉस हो जाएगा, सिसली रहेगा। तो ये आपके वो द्वीप है जहाँ पे आपका क्या है कि वो जाएगा, मीन्स द का यूज़ होगा, जहाँ पे द का यूज़ नहीं हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। वैसे तो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं बट मैं भी फिर भी कुछ कुछ मैं आपको बता रही हूँ जहाँ हमें नहीं यूज़ करना है। बिफोर कैनाल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स के जो नेम आते हैं उनसे पहले भी हमें द का यूज़ करना है। द शारदा कैनाल, द मैनचेस्टर कैनाल, द मैनचेस्टर कैनाल, द मेघदूत, द कश्मीर प्रिंसेस एरोप्लेन्स के नेम हैं, द विक्टोरिया, द विक्रांत शिप्स हैं ये, द तूफान एक्सप्रेस ट्रेन। तो इनके अगर नेम आते हैं तो इनसे पहले हम क्या द का यूज़ करेंगे। बिफोर नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जैसे द एशियन, द इंडियंस, द जापानीज, अगर हमने स्पेसिफिक वे में यूज़ किया कि जो इंडियंस होते हैं ना वो ऐसा करते हैं तो हम लिखेंगे द इंडियंस, द एशियंस, द जापानीज। अगर मैंने कहा कि वो एक इंडियन है, देखो वो इंडियन है, तो हम वहाँ लिखेंगे एन इंडियन, कि वहाँ पे हम एक काउंटेबल नाउन की तरह उसका यूज़ कर रहे हैं कि वो एक इंडियन आया है, जो इधर आ रहा है वो एक इंडियन है। तो वहाँ पे हमने, अगर हमने स्पेसिफिक वे में यूज़ किया तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, नेशनलिटी से पहले द इंडियन यूज़ होगा। अगर वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में उसका यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पे अ इंडियन होगा। तो आप इस तरह से कन्फ्यूज़ मत हुए, मैंने आपको पहले भी बताया है सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे एज ए रूल, और कुछ ये रूल से थोड़ी सी हटके भी होती है बट वो हमें प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा कहाँ पे अ का यूज़ करना है, कहाँ पे एन का, कहाँ पे द, कहाँ पे क्रॉस। लेकिन आप लग कहोगे इंडियन में तो पहले द लगता है, अब यहाँ पे एन लग गया है, काव में तो अ लगता है यहाँ पे द लगाया, डजन में तो अ लगता है यहाँ पे द लगाया, तो ये सिमिलैरिटी बहुत कम है। इनमें ध्यान से हमें सेंटेंस को चूज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लगेगा, बट मैं आपको फिर भी आपको एज ए रूल बता रही हूँ कहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ पे किस टाइम किसको प्रेफरेंस देनी है हमें। तो बिफोर नेशनैलिटी आ गया, लेकिन नागरिकता सूचक शब्दों का प्रयोग जब काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर ज़रूरत के मुताबिक और एन का प्रयोग भी होता है, एन अफ्रीकन, एन अमेरिकन, एन इंडियन, एन इंग्लिश मैन। हुआ क्लियर, जैसे मैंने आपको बताया था। बिफोर रिलीजियस बुक्स से पहले भी हमारे, जैसे द गीता, द बाइबल, द पुराण, द पैराडाइज लॉस्ट, द उपनिषद, तो इनसे पहले भी जो रिलीजियस बुक्स होती है वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। लेकिन जो ये रिलीजियस बुक्स हैं, जो ये होली बुक्स हैं, उनके नाम के पहले ऑथर के नाम का प्रयोग होने पर द का यूज़ नहीं होगा। अगर ऑथर का नाम आ जाता है इनके नाम से पहले, फिर हम क्या है द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे होमर्स इलियड, आप देखो होमर के लिए होमर राइटर का नेम आ गया है तो हमने क्या किया, होमर के आगे हमने क्रॉस यूज़ करेंगे। तुलसीज रामायण, ना तो रामायण के आगे कुछ लगाएंगे ना ही तुलसीज के आगे, तुलसी की रामायण से है तो इलियाड के आगे हमें ब्लैंक मिलेगा, क्रॉस लगाएंगे, रामायण के आगे हमें ब्लैंक मिलेगा, क्रॉस, इन मीन्स कुछ नहीं आएगा। तुलसी की रामायण यहाँ पे क्या है, पोइट का नेम आ गया है, ऑथर का नेम आ गया है, तो हमें वहाँ पे रिलीजियस बुक्स के आगे फिर हमें कुछ भी नहीं लगाना है। बिफोर डायरेक्शंस, डायरेक्शन से पहले जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, तो ये आ जाता है तो हमें क्या है द का यूज़ करना है। द सन राइज इन द ईस्ट, तो किस कंडीशन में हमें ईस्ट और वेस्ट के आगे द का यूज़ नहीं करना है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कि कहाँ पे जब डायरेक्शन आती किधर हमें नहीं यूज़ करना वो आपको तब बताऊंगी। अब हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ओनली सिंपल अगर डायरेक्शंस आती है तो वहाँ पे हमें द का यूज़ करेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट। बिफोर डेजर्ट, डेजर्ट से पहले द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, तो हम वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। बिफोर रिलीजियस कम्युनिटी आ जाए, द मुस्लिम, द सिख्स, द हिंदूज, तो रिलीजियस कम्युनिटी आती तो वहाँ पे भी हमें द का यूज़ करना है। द का प्रयोग दुनिया की अनूठी वस्तुओं के लिए के पहले भी यूज़ करना है। द सन जो कि एक यूनिक है, जो दोबारा नहीं बन सकती है, उनसे पहले हमें द का यूज़ करना है, यूनिक है। द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स, द स्टार्स, द एयर, द विंड,
द स्मोक, जब इनको स्पेसिफिक वे में बताया जाता है तो हम वहाँ पे ऑलमोस्ट द का ही यूज़ करते हैं, और ये सब के एक अनूठी यूनिक चीज़ें हैं तो वहाँ पे भी हमारा द का यूज़ जाता है। जब एयर, विंड और स्मोक की बात एक स्पेसिफिक वे में की जाती है तो वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। आपने ये पहले नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता रही हूँ, हुआ क्लियर? बिफोर हिस्टोरिकल एम्पायर, हिस्टोरिकल एम्पायर से पहले द रोमन एम्पायर, द मुगल एम्पायर, तो ये एम्पायर आ जाते हैं जो हिस्टोरिकल एम्पायर आ जाए उससे पहले भी हमें द का यूज़ करना है। बिफोर हिस्टोरिकल कास्ट आ जाए, द निग्रोस, निग्रो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जातियाँ आती है, निग्रोज आती है, कास्ट आती हैं, द आर्यन से हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा आर्य जाति जो थी। बिफोर हिस्टोरिकल प्लेसेस से पहले जो हिस्टोरिकल प्लेस आ जाए, द गांधी मैदान, द वाइट हाउस, तो इससे पहले भी हमें क्या है, द ताजमहल, हिस्टोरिकल प्लेस आ जाता है, द रेड फोर्ट, तो उससे भी पहले हमें क्या यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट यहीं पे पूरा होता है। तो जितने भी मैंने आपको रूल्स बताए हैं आप अपने नोट्स ले जाइए स्कूल से, और इन नोट्स को, इन रूल्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अब आपका थर्ड जो पार्ट चल रहा है इसके बाद मैं आपको अब साथ के साथ वो सेंड करूँगी इसकी प्रैक्टिस सेशन, तो उसमें आप करके देखिएगा, और साथ में उसके मैंने लास्ट में आंसर भी भेजे हुए हैं और उसमें मैच कीजिएगा। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप रूल्स पढ़ेंगे, तो आपको ये क्लियर होता जाएगा। ओके, कीप लर्निंग, बाय।